ठीक है सिंपू, मैं अभी वॉशरूम करके आता हूँ। फोन कहाँ लेके जा रहे हो? अपने साथ लेके जा रहा हूँ। वॉशरूम में फोन कौन लेके जाता है, यहीं पे रख के जाओ। ठीक है लो पकड़ो। मेरे बाबू ने खाना खाया, ये कौन है? मुझे तो इन पे पहले से ही शक था, तभी पूरा दिन फोन में घुसे रहते हैं। और वॉशरूम में कौन फोन लेके जाता है? कोई बात नहीं, आज मैं इनको छोड़ूंगी नहीं। क्या खाओगे? अरे पागल है, अभी इतना सारा तो खा के आए बाहर से, अब क्या खाओगे? कुछ नहीं खाना मुझे। अच्छा तुम कपड़े बदल लो, मैं कुछ खाने के लिए बनाती हूँ तुम्हारे लिए। क्या बना रहे यार, मैं तो ये कह रहा था कुछ मीठे। सिम्मू ये क्या है? ये है तुम्हारा खाना, अब तुम ही बता दो कि तुम झाड़ू खाओगे, करछी खाओगे, बेनल खाओगे या तुम वाइपर खाओगे। ये क्या बोल रही है तुम, तेरा दिमाग में अब चल गया है क्या? चल काम कर अपना। मेरे बाबू ने खाना खाया है, आज की लड़ाई जा रही है, आज की लड़ाई जा रही है। क्या हुआ? अरे रुक जा यार, मारे जा रहे मारे नहीं, बात तो बता, बात क्या हुई है, क्यों मार रही है? मुझे ये बताओ ये कौन सी लैला है जो अपने मजनू को मैसेज कर रही है कि मेरे बाबू ने खाना खाया? अच्छा वो तो मेरा दोस्त है यार। अच्छा मेरे माथे पे सी लिख रहा है मेरे माथे पे कि जैसे मुझे तो पता ही नहीं है, ऐसा कौन सा दोस्त है जो ऐसे ऐसे मैसेज करता है अपने फ्रेंड को? अरे यार उसने ना गलती से सेंड कर दिया होगा। तुम्हारा ना बहुत हो गया, मुझे ना अपना फोन दिखाओ, मुझे तुम्हारा फोन चेक करना है, अपना फोन दिखाओ मुझे। पासवर्ड बताओ, उसका पासवर्ड क्या है? 0000। इतना इजी पासवर्ड कौन रखता है? कोई नहीं रखता, इसलिए तो मैं रखता हूँ। वाह सारी चैट डिलीट कर रखी है, कोई बात नहीं मैं उसके पास कॉल ही मिला लेती हूँ। रुको, मैं तुम्हें एक बात और बता दूं, अगर वो लड़की नहीं लड़का निकला जो तुमने मेरे लिए थाली सजाई है ना, फिर बाद में ये थाली तुम्हें खानी पड़ेगी। मैं क्यों खाऊंगी? मुझे ना करनी नहीं कॉल, मुझे करनी नहीं किसी से बात, मैं ना तुम्हारे साथ रहना ही नहीं चाहती हूँ, क्योंकि ना तुम तो चाहते ही नहीं कि बात क्लियर हो। और हाँ अगर तुम्हें मेरे साथ रहना है ना तो तुम्हें अभी के अभी बात क्लियर करनी पड़ेगी। बस कर दिया इमोशनल ब्लैकमेल, ला फोन ला, दिखाता हूँ वो लड़का या लड़की। हेलो ए भाई, तूने यार क्या मैसेज भेज दिया मेरे पास? अच्छा भाई वो मैसेज है भाई, वो क्या है ना, मेरे बंदे के नंबर तेरे नाम से सेव है, मैं उसे सेंड कर रहा, करते तुझ पे सेंड होगा। साले तेरे इस मैसेज की वजह से ना तुझे पता भी है मेरे घर में कितनी बड़ी महाभारत होगी है। सॉरी भाई यार। चल ठीक है फोन काट। बस सुन ली अपने कानों से, अगर यही बात तुम मुझसे रेस्टोरेंट में पूछ लेती तो बात वहीं क्लियर हो जाती, लेकिन नहीं, पता नहीं रास्ते में क्या क्या फितूर सोचते हुए आ रहे हो। मगर जितना दिमाग तुमने फितूर सोचने में लगाया ना, अगर उतना ही दिमाग मुझसे बात करने में लगा लेती तो ये महाभारत ना होती। और हाँ एक बात और, किसी बात को बार बार अपने दिमाग में घुमाने से बात बढ़ती है, और तुरंत बात करने से बात क्लियर होती है। ये बात ना अपने दिमाग में फिट कर लो। बहुत शौक था ना कुछ खिलाने का, अब कुछ खिलाओ मत, कुछ पिला दो, एक कप चाय बना दो। ठीक है लाती हूँ।